हाँ, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने साइकिल मतलब बाईसाइकिल यहाँ से रेंट पे ली और हम गए बीटल आश्रम। ले तो ली मैंने साइकिल, लेकिन जो मेरी हालत ख़राब हुई है साइकिलिंग के दौरान, पहले तो बहुत मज़ा आया, खुश भी बहुत है क्योंकि मुझे तो करनी थी साइकिल, लेकिन जब बाद में जो सज़ा मिली है मेरे पैरों को, कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, चुपचाप चलो। कितनी साइकिलिंग की है मैंने, हाँ, पैरों की तो बैंड बज गई है यार। कच्चा रास्ता इधर, फाइनली हम पहुंच गए बीटल्स आश्रम। ये बीटल्स आश्रम, चल रही चल रही चल रही, फैनी थाई। अरे यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा यार, इतना ऊंचा। नहीं बीटल्स आश्रम, और पार्किंग में साइकिल थी और मैं अपना बैग भूल गई वहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक गॉड मिल गया। इतनी चढ़ाई है यार, लगा था कि टाइगर रिजर्व भी यही है। हो यार, मैं तो बहुत थक गई, ऊपर से तुम मुझे इतना चलाने, ओ शिट यार, कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे यार क्या है बीटल्स आश्रम, एकदम ग्रीनरी है, और ये कुछ आई है चढ़ने के लिए? आश्रम था ये, समझ आया? इसमें ऋषि मुनि रहते थे। सो ये मेडिटेशन केव्स है, पर मुझे ये तो बहुत डरावना लग रहा है, और कहाँ चले आए हैं? वहां से डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है, उधर से चलते हैं। उधर से ओ चलो, या बॉडी डरावना है। कर ली? किचन? किचन इन द अर्ली 1960s। ये काफी पुराना किचन। प्रिंटिंग प्रेस, अच्छा।
ये कितने अच्छे से रखा हुआ है। पता नहीं, देखते हैं। एक भवन घूमते घूमते आई रियलाइज कि अगर इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो कम से कम एक या दो घंटे तो आपको आराम से निकालने चाहिए अगर इस जगह को अच्छे से जानना है तो। यहाँ भी तो साथ में जो कि मुझे थोड़ी बहुत बोरिंग लगी थी, बहुत अच्छी भी लगी। बैग भी अच्छा है, मतलब जिनको बहुत ही मीनिंगफुल बातें करनी है जैसे मेडिटेशन, योगा एंड हीलिंग एंड ऑल, वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी मुझे पता नहीं है बड़ी बड़ी बातें, पर ये अच्छा है, मुझे लगता है ये अच्छा है। जानकारी जिनको बहुत ज़्यादा होगी उनके लिए अच्छा है, पर मुझे सबके बारे में पता नहीं है, शायद पता नहीं होगा। Overall, it was good experience. I was tired, but I enjoyed it.